आजकल कई पेशेंट्स को या कुछ खाए तो या कुछ पिए तो या जोर से ब्रश करे तो मसूड़े में से खून जाता। वैसे पेशेंट्स के लिए मसूड़े का ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन इलाज है। मसूड़े की बीमारी क्यों होती बोले तो कई पेशेंट्स दो टाइम ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से मैल जमा हो जाता। मैल जमा होने की वजह से दांतों में सान आ जाती, फिर मसूड़े नीचे हो जाते, तो उसकी वजह से मसूड़े के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते और खाना अटक जाता, जिसकी वजह से मुंह में से बदबू आती। तो वैसे पेशेंट्स के लिए मसूड़े का ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता। पहले पेशेंट को दांत साफ करते, इसको नॉन सर्जिकल थेरेपी बोलते। नॉन सर्जिकल थेरेपी करने के बाद भी अगर पेशेंट के मसूड़े में से प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करते। सर्जरी करने से पेशेंट का जो मसूड़े है और जो दांत है दोनों भी मजबूत होते और दोनों की लाइफ बढ़ती। अगर किसी पेशेंट को मसूड़े में प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द मसूड़े का ट्रीटमेंट करा लीजिए। क्यों बोले तो मसूड़े के प्रॉब्लम की वजह से जो मैल जो जमा होता वो खून से आपके हार्ट को या आपके दिमाग को पहुंच के या स्ट्रोक कर सकता है या हार्ट अटैक पैदा कर सकता या किडनी में प्रॉब्लम कर सकता। उसकी वजह से पेशेंट की जान भी चले जा सकती। इसकी वजह से मसूड़े का ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता। तो जिस किसी को भी मसूड़े में प्रॉब्लम है या खून जा रहा या दांतों में सान है या दांत लूज हो गए, वैसे पेशेंट जल्द से जल्द मसूड़े का ट्रीटमेंट करा लीजिए नज़दीकी पार्था डेंटल क्लिनिक में से।